हेलो फ्रेंड्स, मैं डैनी, हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कैंप में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक फेमस और खूबसूरत जगह रत्नागिरी के बारे में, और जानेंगे रत्नागिरी के टॉप 10 ऐसे पॉइंट्स जहां पर आप जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर जो खूबसूरत जगह है वह है भतई बीच। रत्नागिरी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर और रत्नागिरी जिले के भाटे में स्थित ये एक अद्भुत समुद्र तट है। यह बीच रत्नागिरी के लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। यह समुद्र तट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के आसपास के वातावरण का एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। समुद्र तट की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर की है और यह बहुत ही सपाट और सीधी है। भतई बीच और मांडी बीच एक दूसरे के बगल में स्थित है, लेकिन एक क्रेक से वो अलग है। यह बीच नीला पानी, स्वच्छ वातावरण और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य को देखने के लिए एक आदर्श जगह है। नंबर 2, मांडवी बीच। रत्नागिरी बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बीच रत्नागिरी क्षेत्र में सबसे भीड़ वाले समुद्र तटों में से एक है। मांडवी बीच खूबसूरत समुद्र का एक किनारा है, जो कि राजीबंद बंदरगाह तक फैला हुआ है। यह शानदार समुद्र तट पश्चिम में रत्नदुर्ग किला और दक्षिण में राजसी अरब सागर से घिरा हुआ है। समुद्र तट अपनी काली रेत के लिए काफी जाना जाता है, इसलिए समुद्र तट को अक्सर काला सागर भी कहा जाता है। खाड़ी के सर पर स्थित बुर्ज की उपस्थिति के कारण इस समुद्र तट को रत्नागिरी के गेटवे के रूप में भी जाना जाता है। मांडवी बीच महाराष्ट्र के सबसे व्यस्त समुद्र तटों में से एक है और यहाँ पर आप काफी सारे वाटर एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। नंबर 3, मरीन एक्वेरियम और म्यूजियम। रत्नागिरी बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मरीन एक्वेरियम और म्यूजियम मांडवी बीच के भगवती मंदिर रोड पर स्थित है। मरीन संग्रहालय की स्थापना 1985 में रत्नागिरी के समुद्र जैविक अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई थी। मरीन संग्रहालय में आपको पानी में रहने वाले कई दुर्लभ और सुंदर जीव देखने को मिल जाएंगे। इस संग्रहालय में एक पुरानी वेल के कंकाल भी मौजूद है, जिसे भी आप नजदीक से देख सकते हैं। नंबर 4, थीबा पैलेस। रत्नागिरी बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर थीबा पैलेस एक छोटी पहाड़ी पर स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। यह रत्नागिरी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। थीबा पैलेस एक वास्तुशिल्प का खूबसूरत उदाहरण है, जो कि म्यांमार के राजा थीबा के लिए बनाई गई थी, जो यहाँ निर्वासन में थे। ऐसा कहा जाता है कि 1910 में म्यांमार के राजा को घर में नजरबंद करने के लिए इस पैलेस का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। महल ढलान वाली छत के साथ एक खूबसूरती से निर्मित 3 मंजिली संरचना है। खूबसूरत नक्शे वाले अर्ध परिचित्र लकड़ी की खिड़कियां इस संरचना का मुख्य आकर्षण है। पहली मंजिल पर संगमरमर के एक तल के साथ एक नृत्य कक्ष है और एक बौद्ध मूर्ति महल के पीछे की तरफ स्थापित है। महल में एक संग्रहालय भी है, जो राजा द्वारा अपने निर्वासन के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। नंबर 5, रत्नागिरी किला। रत्नागिरी बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर रत्नागिरी किला अरब सागर के तट पर स्थित है। यह ऐतिहासिक किला महाराष्ट्र के लोकप्रिय किलों में से एक है, जो रत्नागिरी जाने के लिए मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। रत्नागिरी का किला बहामनी सुल्तान के शासन के दौरान बनाया गया था। रत्नदुर्ग किला लगभग 1300 मीटर और 1000 मीटर की चौड़ाई के साथ है। ये किला 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है और 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी किला बाली किला, मध्य पेत किला और पारकोट। इनमें से पेत किला खंडर में है और पारकोट सबसे बड़ा किला है। साथ में रत्नागिरी लाइट हाउस को समायोजित करता है। इस किले का दौरा करने का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान होता है। नीले समुद्र के साथ हरे भरे हरियाली के मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करता है। नंबर 6, गणेशगुले बीच। रत्नागिरी से 21 किलोमीटर दूरी पर गणेशगुले बीच गणेशगुले गांव में स्थित एक समुद्र तट है। यह महाराष्ट्र के सबसे शांत समुद्र तटों में से एक है और साथ ही में रत्नागिरी के प्रमुख आकर्षण केंद्र में से एक है। गणेशगुले बीच प्रकृति प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। समुद्र तट 1.5 किलोमीटर लंबा है और दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गणेशगुल बीच के चट्टानी, सफेद रेतीले इलाके और साफ समुद्र कई लोगों के लिए एक सुखद छुट्टी गंतव्य है। गणेशगुले बीच को उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है, जो शांतिपूर्ण क्षणों को आराम से खर्च करना चाहते हैं। स्विमिंग और सनबाथिंग समुद्र तट पर पसंदीदा गतिविधियों में से एक है। इस समुद्र तट में स्नॉर्कलिंग, डाइविंग,
सफरिंग और पैरालाइजिंग जैसे कई वाटर एक्टिविटीज का आप मजा ले सकते हैं। साथ ही में इस समुद्र तट पर जाकर आप नाव की सवारी का भी आनंद ले सकोगे। नंबर 7, मार्लेश्वर मंदिर और वाटरफॉल। रत्नागिरी से 65 किलोमीटर की दूरी पर मार्लेश्वर मंदिर रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर के पास मारद गांव में स्थित एक गुफा मंदिर है। सुंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा श्री मार्लेश्वर मंदिर रत्नागिरी में लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। मार्लेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर भगवान परशुराम द्वारा बनाया गया था। मंदिर कोबरा के लिए काफी मशहूर है जो कि शिवलिंग के साथ यहाँ पाए जाते हैं और आज तक किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसके परिणाम स्वरूप इस जगह पर विश्वास बढ़ रहा है और हर साल हजारों भक्त इस स्थान पर आते हैं। इस मंदिर को कोकण के त्र्यंबकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। धारेश्वर झरना मार्लेश्वर का एक और पर्यटन आकर्षण है और बावर नदी पर यह झरना बनता है। एडवेंचर लवर्स और ट्रैकर्स के बीच ये जगह काफी फेमस है। नंबर 8, तिलकाली संग्रहालय। रत्नागिरी बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूरी पर तिलकाली संग्रहालय महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में स्थित है। संग्रहालय महान ऐतिहासिक महत्व का एक स्मारक है और रत्नागिरी में जाने के लिए मुख्य स्थानों में से एक है। तिलकाली संग्रहालय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का एक पूर्वज घर है। उनका जन्म कोकण क्षेत्र में हुआ था और यह संग्रहालय भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन और बलिदान को दर्शाता है। यह घर देशी कोकनी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे महान स्वतंत्र सेनानी की यादों को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संग्रहालय में बदला गया है। तिलकाली संग्रहालय लोकमान्य गंगाधर तिलक के जीवन, पेंटिंग्स और चित्रों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को दर्शाता है। नंबर 9, जयगढ़ किला। गणपति पुले से 19 किलोमीटर और रत्नागिरी से 42 किलोमीटर दूरी पर जयगढ़ किला तटीय किला है जो महाराष्ट्र के जयगढ़ गांव के पास में स्थित है। ये कोकण क्षेत्र में लोकप्रिय किलों में से एक है और इतिहास प्रेमियों के लिए पुणे के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक गिना जाता है। ये भारत के पुरातत्व संरक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है और ये स्मारक 4 एकड़ के विस्तार में फैला हुआ है। जयगढ़ किला धारा के दक्षिण छोर पर एक घास और मजबूत बुर्जों से घिरा हुआ है। किले के बीच में कान्होजी अंगरे का महल है और एक गणपति मंदिर और पानी के भंडार के 3 कुएं हैं। जयगढ़ किले के परिसर में एक सरकारी विश्राम गृह भी मौजूद है। नंबर 10, गणपति पुले। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर गणपति पुले एक छोटा सा तीर्थ क्षेत्र है। ये जगह मुख्य रूप से भगवान गणपति के 400 साल पुराने मंदिर के लिए जानी जाती है जो गणपति पुले में मुख्य आकर्षण है। यह भारत के अष्ट गणपति मंदिरों में से एक है और इसे पश्चिम देवर देवता के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर एक पहाड़ी के आधार पर है और तीर्थ यात्रियों ने सम्मान के निशान के रूप में पहाड़ी के चारों ओर घूमते हैं। गणपति पुले महाराष्ट्र के कोकण तट के साथ सबसे शानदार समुद्र तटों में से एक है। यह एक आदर्श पलायन है जो शांति साधक, समुद्र तट प्रेमियों और तीर्थ यात्रियों को समान रूप से आकर्षित करता है। गणपति पुले महाराष्ट्र के केवल 2 सफेद रेत समुद्र तटों में से एक है और दूसरा काशी बीच है। गणपति पुले बीच साफ समृद्ध बीच है जो अपनी ओर टूरिस्ट को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, रत्नागिरी की ये 10 पॉइंट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आने वाले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए।